ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। तुम्हारे वहां से लौटने के बाद जिंदगी में कैसा मोड़ आया के? हाँ, मैंने मालूम किया था तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया और फिर तुम्हारी शादी हो गई। शादी मुबारक हो श्याम। राधा, मैं तुमसे कोई शिकायत तो नहीं कर रही हूं। शिकायतों के जवाब तो आदमी दे लेता है राधा, लेकिन जहां शिकायत देना हो वहां बिना पूछे सब कुछ बताना पड़ता है। मैं उसी वक्त तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। मैं चंडीगढ़ भी गया तुमसे मिलने, तुम्हें बताने, लेकिन वहां जाकर पता चला कि तुम वो घर और चंडीगढ़ छोड़कर कहीं चली गई हो। विपिनती मेरी कोख में थी श्याम, उसे जन्म लेना था। मैंने इंडियन एयरलाइंस में भी पता किया, मालूम हुआ तुमने रिजाइन कर दिया है। वहां भी तुम्हारा कोई अगला पता नहीं मिला। मिलता भी कैसे, मुझे खुद अपना अगला पता मालूम नहीं था। टॉली मेरे पेट में थी, मेरे लिए रिजाइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था श्याम। खैर मेरी छोड़ो, आपने सुना तुम कैसे हो, तुम्हारी पत्नी कैसी है? सच बोलना आसान तो नहीं है, लेकिन राधा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। इतना बड़ा सच तुम ही बोल सकते हो श्याम, यही तुम्हारी महानता है। लेकिन मेरे दिल पर सबसे बड़ा बोझ यही है राधा, कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का रूप बिगड़ गया, तुम्हारी खुशियां छीन गई। नहीं श्याम, मैं बहुत खुश हूं डॉली के साथ, मैं बेहद खुश हूं। फिर भी राधा, मैं तुम्हारे लिए, डॉली के लिए सब कुछ कर सकता हूं। सबसे बड़ा दान तो तुमने मुझे दे दिया है श्याम, अब डॉली ही मेरी जिंदगी की सबसे कीमती धरोहर है। लेकिन राधा श्याम, जो पेड़ पीछे छूट गए हैं ना, उनकी छाया के लिए कोई लौटा नहीं करता। तुम चिंता मत करो श्याम, मेरी जिंदगी में बहुत घनी छाया है, डॉली की छाया, वो छाया भी तो तुम्हें ने दी है। एक्सक्यूज मी। यस, देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ ऐसी औरतों के बारे में जानकारियां हासिल कर रही हूँ जिन्हें हालात, समाज और इस दुनिया ने सारे दुख सहने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी बहुत कुछ, मुझे पता चला कि आपने भी अपनी जिंदगी में अकेले बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष? कैसा संघर्ष? यह है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में था और वो कहीं चला गया और आप दोनों माँ बेटी अब अकेली रहती हैं। तो इसमें बताने को क्या है, जिंदगी के बहुत से रूप होते हैं। और देखिए मैं अखबारों और जर्नलिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मुझे माफ कीजिए। सुनिए राधा जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आपकी बातें कहीं नहीं छपेंगी। आखिर मैं भी औरत हूँ, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि जब औरत की जिंदगी में ट्रेजेडी होती है तो कुसूरवार मर्द है या औरत, समाज है या हालात या कुछ और। अच्छा चलिए पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? यही कि आपकी जिंदगी में जो इंसान आया वो कौन था और क्या वजह है आज वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है। वो एक छोटी सी कहानी है, आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। उसके बाद मैं चंडीगढ़ छोड़कर श्रीनगर आ गई।
वहां एक ट्रैवलिंग एजेंसी में मुझे नौकरी मिल गई। वहीं डॉली पैदा हुई। उसके बाद बस यहाँ आ गई। मुझे शाम से कोई शिकायत नहीं है। मैं डॉली के साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरे भीतर की औरत जाग पड़ी है। मुझे तुम जैसे कमजोर औरत पर गुस्सा आ रहा है। तुम जैसी औरतें मर्दों को खुली खिलवाड़ का मौका देती हैं, बिना शादी के उनकी हवस का शिकार बनती हैं और उसे प्यार समझती हैं। प्यार का हर पल समान होता है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद में। उसे हवस का गंदा नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन बिना शादी का प्यार कलंक बन जाता है। तुम जैसी कमजोर औरतें उसे बर्दाश्त करती हैं। जिस मर्द ने तुम्हें उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां जीवन में सारे अंधेरे हैं, तो उसे मर्द से रोशनी का हक क्यों नहीं मांगती? क्यों अंधेरों में गुमनाम जिंदगी गुजारना चाहती हो? जाओ और उससे सारे अधिकार और हक मांगो। अपने बच्चे के लिए बाप का नाम मांगो, अपने लिए मां का सिंदूर मांगो। मैं जानती हूं तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारी ये कहानी सारे अखबारों में छपवाऊंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी। अरे अंकल, आप? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं फिर आऊंगा। ये सब चीजें तुम्हारे लिए हैं। इतनी सारी चीजें? अंकल अब बहुत अच्छे हैं। मैंने मम्मी से कहा था कि पापा जैसे अंकल मेरे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी अंकल तुम्हारे पापा जैसे नहीं हो सकते। चलिए मैं आपको मम्मी से मिलाती हूँ। देखो बेटे, तुम्हारी मम्मी से बाद में मिलेंगे, ये चीजें रख लो। नहीं अंकल, वैसे भी आपको घर चलना ही पड़ेगा। इसकी दो वजह। क्या? नंबर एक, आप इतनी सारी चीजें लाए हैं तो मैं कैसे उठा कर ले जाऊंगी। नंबर दो, मम्मी ने मना किया है किसी से भी कोई चीज नहीं लेना, तो आप उनके सामने चल के मुझे दीजिए, तब मैं लूंगी। चलिए ना अंकल, प्लीज। चलो बेटे। मम्मी, मम्मी, देखो मैं पापा जैसे अंकल को लाई हूँ। कितनी सारी चीजें लाए मेरे लिए। तुम ये सब ले जाओ और खेलो, मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ बातें करनी है। अच्छा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू अंकल। ये लो बेटा। क्या बात है राधा, बहुत परेशान लग रही हो। कुछ देर पहले एक औरत आई थी, उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने उस पे भरोसा कर लिया। उसने अपने बारे में और डॉली के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद मुझे ये धमकी दे गई है कि वो ये सब कुछ अखबारों में छपवा देगी। अखबारों में छपवा देगी? हाँ, मुझे अपनी बदनामी का डर नहीं है शाम, लेकिन अगर ये सब कुछ अखबारों में छप गया तो तुम्हारी पत्नी के मन को कितना दुख पहुंचेगा। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी? लेकिन वो औरत कौन थी? रुक्मिणी। श्याम की पत्नी, यही मेरा परिचय है राधा। श्याम, ये सब अब तक तुमने मुझसे छुपाया क्यों? छुपाया नहीं रुक्मिणी, लेकिन तुम्हें बताने की कोई जरूरत, कोई मौका ही नहीं आया। राधा ने गुमनामी की जिंदगी ओढ़ ली, इसलिए तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी। मौका इसलिए नहीं आया क्योंकि डॉली अभी छोटी है। मैं तुमसे पूछती हूँ श्याम, जिस दिन डॉली बड़ी होकर अपने पापा के नाम की तलाश में निकलेगी, तब क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? और राधा, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा डॉली को देने के लिए? जब डॉली बड़ी होगी तो वक्त बहुत बदल जाएगा। वक्त बदलने से बदलता है, अपने आप नहीं। ये बदल सकते थे वक्त को, लेकिन ये खुद बदल गई। अगर ये अपने मरते हुए डैडी की बात ना मानते तो इन चार जिंदगियों का रूप कुछ और ही होता। श्याम, तुम्हारी जिंदगी में राधा मुझसे पहले आई, बाद में आती तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करती। लेकिन तुमने मुझसे शादी करके राधा के सारे हक छीन लिए। मैं तो ऐसा नहीं मानती। इन्हें दोष मत दो, जिंदगी कई मंजिलों से गुजरती है, शायद मेरी मंजिल
श्याम नहीं थे। नहीं राधा, सच तो ये है, जहां आज मैं हूं वहां तुम्हें होना चाहिए था। तुम इनकी जिंदगी की पहली सच्चाई हो। उस वक्त ये अकेले थे तो वक्त को नहीं बदल पाए। आज हम तीन हैं, हम तीनों वक्त को बदल देंगे। श्याम, राधा को उसका सम्मान, एक पत्नी का अधिकार तुमको देना पड़ेगा। तुम ये मत समझना श्याम, मैं तुमसे तलाक लूंगी। तलाक औरत के लिए गाली होती है और वो गाली मैं खुद को नहीं दूंगी। तुम्हारे घर से तो मेरी अर्थी उठेगी। राधा, तुम मेरे पति की पत्नी बनोगे डोली के खातिर। नहीं, कभी नहीं। ये समाज और ये दुनिया कभी ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ राधा, अब सवाल इनकी मंजूरी का है। बोलो श्याम, चुप क्यों हो गए हो? डॉली को जन्म दे सकते हो तो अपना नाम नहीं दे सकते? मैं पूछती हूँ, राधा का कसूर क्या है? उसने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें देवता समझकर अपना तन मन अर्पण कर दिया। तुम उसके त्याग से अनजान हो गए। मेरे कसूर को सजा देने का हक भगवान को भी नहीं है। फिर तुम कौन हो? तुम्हें क्या हक है? बोलो, जवाब दो। हम अगर तुम्हारा फैसला मान भी लें तो कानून और समाज एक पत्नी के होते दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता। जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे? हाँ, मैं जानती हूँ लोग क्या कहेंगे, खास तौर से औरतें। पर यह कदम उठाना हर औरत के बस की बात भी नहीं है। देखो रुक्मणी, हम डॉली और राधा के लिए जो कुछ भी होगा करेंगे। हम जीवन भर उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन नहीं श्याम, औरत को जीवन गुजारने के लिए दौलत नहीं, जीवन साथी की जरूरत होती है। औलाद को उसके बाप के नाम की जरूरत होती है। सीता की तरह राधा को मैं जीवन भर वनवास नहीं काटने दूंगी। डॉली और राधा का अधिकार हमारे घर पर उतना ही है जितना तुम्हारा और मेरा। नहीं, मेरे लिए उस घर का रास्ता खो गया है। लेकिन वो रास्ता मिल गया है राधा, और वो रास्ता शादी के मंडप से गुजरता है।